डैडी जय, डैडी जय, डैडी देव, डैडी डैडी आप कहाँ चले गए? मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने आपके साथ हंस के और रो के गुजारे थे। हंस के तब जब आप घर से बाहर जाते थे और रो के तब जब आप लौट के आते थे और आते मेरी गर्दन पे मिलिट्री वाला हाथ कड़क मारते थे और मुझे मुर्गा बनाते थे और आप हंसते थे और मैं रोता था। आज भी जब मैं मुर्गा देखता हूँ तो मुझे आपकी याद आती है डैड, आपकी याद आती है। डैडी काश काश आज आप जिंदा होते। है, आपकी डैडी जिंदा है। डैडी डैडी ये आपने आपने कुछ कहा डैडी? नहीं नहीं मैंने कहा। आप कौन? मैं आपके डैडी का फैमिली लॉयर हूँ। यू नो मेरा नाम है एडवोकेट फांसी वाला। फांसी वाला? डैडी हमारी फैमिली को कोई और लॉयर नहीं मिला क्या? यू नो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, आपके डैडी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लेकिन मेरे डैडी तो मर चुके हैं। नो 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 नो, जो मर गए थे वो आपके डैडी नहीं थे। नहीं थे? लेकिन मैंने उनके मरने की न्यूज पढ़ी थी पेपर में। गलत न्यूज छपी थी दरअसल, उनके दिमाग पर गहरा असर हो गया था। क्यों? क्योंकि आपने एक फिल्म एक्ट्रेस से शादी जो की थी। हाँ, मैंने भी सुना था। हाँ, लेकिन अब गांव वालों ने उनको समझाया है कि प्रीमा शालिनी भले ही एक फिल्म एक्ट्रेस हो लेकिन वो बहुत ही अच्छी गृहिणी है, घर का सारा काम काज संभालती है। यू नो लेकिन ये बात झूठ है। लेकिन ये तो मैं भी जानता हूँ, पर आपके डैडी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनको दसवां अटैक आ जाएगा। दसवां अटैक? हाँ, अब तक उनको 9 बार दिल का दौरा पड़ चुका है और डॉक्टर ने बताया है कि अब की बार अगर आया ना तो उनके टॉप 10 पूरे हो जाएंगे। माँ कब आ रहे हैं डैडी? कल शाम को। कल शाम को? थोड़ा सा उनका आना पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या? क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं है आजकल। देखिए आपके डैडी को अगर बहू पसंद आ गई ना हाँ। तो अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने वाले हैं। कितनी जायदाद होगी यार? 2 करोड़ रुपया। दो करोड़? ठीक है, मैं आज ही अपनी वाइफ को फोन करता हूँ, वो जरूर आएगी। नहीं देव, मैं नहीं आ सकती। डॉल देखो, मेरे जर्नैल पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है। उनकी मौत का मुझे कुछ वो नहीं है क्योंकि एक बार पहले मैं उनकी मौत का गम मना चुका हूँ, लेकिन लेकिन डॉल उससे बढ़कर मेरी जिंदगी का सवाल है। डॉल 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़? 2 करोड़? फिर तो मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं डॉल, वो कल शाम को आ रहे हैं। यू हैव टू कम मींस यू हैव टू कम। लेकिन फिर तो मुझे नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी पड़ेगी। Alright then, मैं मिस्टर इवन हिल्बर्ग जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ। वेरी गुड। कुकी, मैं जा रहा हूँ। डैडी, आज आप मेरे लिए क्या लाओगे? छड़ी लाऊंगा, छड़ी। नहीं, मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो आपके डैडी आपके लिए लाते थे। अबे तू चुप रहना, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? चल जा अंदर, जा। अरे क्यों उसके पीछे पड़ा हो? अरे बात बोलने लगा ये। अच्छा अच्छा, अभी रहने दो, तुम निकलो, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। चिंटू चलो डैडी को टाटा करो। मैं इनको टाटा नहीं करता। अरे ऐसा नहीं बोलते, वो नाराज हो जाएंगे। होने दो, आप मेरे लिए नई गाड़ी ला दे। देखा कोकी क्या बोल रहा है? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? हाँ मैं जानता हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये बाल हाथ में क्यों नहीं आते? तुझे तीसरा भाव चाहिए। चुप चुप करो एकदम। उस बेचारे को क्या मालूम कि अपने देश में एक जन्म में सिर्फ एक ही डैडी मिलते हैं। ठीक है हाँ। मैं जा रहा हूँ, पर सुनो आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। क्यों? अरे ऑडिट चल रहा है। ए! मुझे बताया था। ओके, तुम एक काम करना, खाना खा के सो जाना और उस दिलरुबा के बच्चे को मेरी गैरहाजिरी में घर में आने मत देना। वो क्यों तुम्हारी गैरहाजिरी में आने लगे? आजकल वो खुला छुटा हुआ है, प्रेमा जी भी घर पर नहीं है और सपना जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपना दिल बहलाने के लिए वो जरूर कोई जगह ढूंढ रहा होगा। चुप करो, कुछ भी वक्त रहते। गुड मॉर्निंग कोकी जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग कोकी जी। आ गया। हाँ, लेकिन तुम्हारी गैर हाजिरी में नहीं आए हैं। क्यों दिलरुबा, क्या काम है? मुझे इनसे थोड़ा पर्सनल काम है। अच्छा, मुझसे तो आपको कभी काम ही नहीं रहता, हमेशा मेरी बीवी से ही रहता है। केशु, अब तुम निकलो, तुम्हें देर हो रही है। ठीक है। देखो चिंटू बेटे मेरे दोस्त, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वो घर की बात थी बेटे। और दिलरुबा पर नजर रखना वरना तुम्हें सचमुच दूसरा डैडी मिल जाएगा। केशव, तुम जाओ, कुछ भी बकते रहते हो। ओके, जाओ, निपटा लो अपना काम। जी, जाओ। अरे, क्या? दिलरुबा जी, आप केशव की बात का बुरा नहीं मानना, हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी आपसे कुछ
ऐसा ही काम था। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, आप ना मेरी ना पत्नी बन जाओ। क्या? सिर्फ एक दिन के लिए। आप होश में तो है? नहीं नहीं, मैं होश में हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। कोकी जी कमाल है, सुनिए तो सही। मैं आपको इस काम के 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप नहीं समझ रही हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। फिर वही बात बोल रहा है। कोकी जी, जो मैं समझा रहा हूँ समझ तो लीजिए ना। अच्छा बाबा, समझाइए जो समझाना है। डिटेल में समझाऊंगी, शॉर्टकट में। शॉर्टकट में? ये शॉर्टकट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं डिटेल में समझाऊंगी। डिटेल में ही बताइए। आज शाम को मेरे डैडी आ रहे हैं। अच्छा, अरे लेकिन आपने तो कहा था कि आपके डैडी गुजर गए हैं। वो गुजर गए थे, जो गुजरा था वो भी डैडी था लेकिन किसी और का था, ये मेरा है। आप आगे बताइए। हाँ, तो आज शाम को आ रहे हैं अपनी बहू का पहली बार मुंह देखने के लिए। अच्छा। हाँ। अरे तो बुलाइए ना प्रेमा जी को। मैंने उसको फोन किया था लेकिन वापस उसका फोन आया है। क्या? उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मैं क्या करूँ? मैं हवाई जहाज बनकर उनको लेकर आऊँ? नहीं, आप 1,00,000 रुपए लो और मेरी पत्नी बन जाओ। दिलरुबा जी, देखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मेरे डैडी को अटैक आ जाएगा, वो हार्ट पेशेंट हैं, और उससे भी बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा, 2 करोड़ का। ओके, बताइए मुझे क्या करना है। आपको मेरी बीवी बनना है। आप एक काम कीजिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दूर से जी, चलिए। मुझे नए डैडी मिल गए। कंटाल गया मैं, गोखले कंटाल। अरे तो क्या कर रहा है गोखले, ये सारे काम के पेपर्स हैं। छोड़ दे यार, काम करने से किसका भला होने वाला है। ये बात है। ओके गोखले, पता नहीं किस इडियट ने ऑडिट की खोज की है। इडियट नहीं केशव, जरूर कोई अकलमंद आदमी होगा। क्योंकि वो जानता था कि दुनिया में काम करने वाले कम और काम चोर ज्यादा है। गोखले हम दोनों कौन सी कैटेगरी में आते? अरे केशव यार, शर्मा साहब के हिसाब से हम लोग काम चोर हैं। अच्छा ठीक है ठीक। काम चोर हो, काम कर रहे हो कि बातें कर रहे हो? नहीं सर, हम काम के बारे में बातें कर रहे हैं। नहीं बातें नहीं, काम कर रहे हो। देखते नहीं कंपनी के ऑडिट वाले छाती पर बैठे हुए हैं। चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाने से क्या, वो हमारी अच्छी रिपोर्ट लिखेंगे। शर्मा साहब, क्या है? मेरी सास आने वाली है। अच्छा, कब आ रही है? मैं आज जल्दी घर जाना चाहता हूँ। अनल बोल। लेकिन तू आर्मी में था जब तो मेजर था, ये कर्नल का प्रमोशन तेरे को कब मिला है? रिटायर होने के बाद मिला। भाई मोड तेज चल। डैडी पेरी प्रणाम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं जी। इतनी तौन निकला झुककर प्रणाम करने की कोशिश करते हो? वर्जिश वगैरह करते हो या नहीं? करता हूँ ना डैड, कभी कभी डंबल शंबल मार लेता हूँ। पेट की करो। आइए ना डैडी, बैठिए। आपके जिंदा होने की मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे फोटो पर तुमने हार चढ़ा दिया। नहीं, जब आप नहीं आए तो फिर हार तो मैंने हार मान के चढ़ाया ना। ठीक है, मैं अपनी बहू को देखने के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? इतनी जल्दी क्या है? दिखाता हूँ। जल्दी क्या है? गए 10 साल से बहू की शक्ल देखने के लिए तरस रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या पता कि 10 साल से आप हैं? मैं समझा कि 10 साल पहले आप रियली वो नहीं थे, यू नो उनकी याददाश्त खो गई थी, यू नो एमनेसिया। नहीं बोल रहा है, एडवोकेट रस्सी वाला। रस्सी वाला नहीं, यू नो फांसी वाला। एक ही बात है यार, फांसी रस्सी से ही देते है ना। राइट। डैड आप क्या लेंगे, चाय कॉफी या ठंडा? मैं चाय कॉफी कुछ नहीं लूंगा। चाय कॉफी कौन बनाएगा, तुम बनाओगे? नहीं, वो बनाएगी ना। वो बनाएगी, वो है कहाँ? बुलाओ उससे बाहर। क्या कर रही है अंदर, वो सस्पेंस मूवी बना रही है? बुलाओ, कह दो कि उसके ससुर यहाँ आए। कॉल हर आउट, आई वांट टू सी हर राइट अवे। अरे ये ढोल कहाँ बज रहे हैं? ये ढोल नहीं बज रहे हैं, तो ये तो आपके डैडी के दिल की धड़कने बज रही है। यू नो 2-4 ऑपरेशन होने के बाद में उनके दिल की धड़कने जोरों से सुनाई देने लगी है। राइट right.
डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पेसमेकर बिठाया है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि नॉइस मेकर बिठाया है। मैं तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए आया हूँ। बुलाओ उसे। जी जी, एक मिनट। को डॉल? क्या बोला? नहीं नहीं, डॉल को बुला रहा हूँ ना। डॉल को बुला रहा हूँ। डॉल। ओहो, हटो, मुझे बहू को देखने दो। बहू, ये आवाज कहाँ से आ रही है? डॉल, वो क्या है कि डैड ने ना अपनी छाती में एक पेसमेकर फिट किया है। जब भी उनको बहुत खुशी या ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो उनके दिल की धड़कनें ढोल के मापिक बढ़ने लगती है। आओ आओ बहू आओ। नहीं नहीं, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं चिन्नू। जी चिन्नू। चिन्नू, मैं इसे प्यार से चिन्नू कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा हो तो मुझे बहुत चूना लगा था। चिन्नू, तुम्हारे बीवी सच्ची डॉल है। डैड, इसका असली नाम है प्रेमा शालिनी, डॉल तो सिर्फ मैं प्यार से बुलाता हूँ। नहीं, वाकई में वो डॉल है। आपके आशीर्वाद है डैडी। देखो बेटी में तहजीब भी कितनी है। आपके आशीर्वाद है डैडी। तुम्हारी माँ की तरह नहीं है वो। आपके आशीर्वाद है डैड। डैड, अब हर बात में माँ को क्यों लपेटते हो? डॉल, एक काम करो, डैडी के लिए कुछ ठंडा गरम लेके आओ। हाँ, डैडी आप क्या लेंगे? हम चाय पियेंगे। ठंडा या गरम? अब कैसे भी पिला दो बेटा, हम तुम्हारे हाथ से जहर भी पी लेंगे। जहर भी पी लेंगे? चूहे वाला या कॉकरोच वाला? डैड, रिलैक्स, आपको क्या है? आप तो ना चूहे ना कॉकरोच, आप तो शेर हैं। शेर? मैं शेर हूँ, शेर। आपके आशीर्वाद है डैड। अच्छा बेटा चुन्नू, बताओ तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? डैड, अभी तो इतने ही बाल बच्चे हैं। गधे बच्चे? गधे के बच्चे? डैडी, बच्चा तो एक भी नहीं हुआ है। आपके आशीर्वाद है डैड। मम्मी, 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 एक मिनट, एक मिनट, तुम जरा डैडी को घर दिखाओ, तब तक मैं होके आती हूँ। होके? आपके आशीर्वाद है डैड। होके। चुन्नू जी, ये क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं है, वो बच्चा है। किसका बच्चा है? हमारा ही समझिए। तुमने तो अभी अभी कहा तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। डैड, मेरी भी कभी कभी आपकी तरह याददाश्त चली जाती है, मुझे भी वो चिंपैंजिया हो जाता है। नो 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 नो, एमनेसिया, एमनेसिया, यू नो। एक ही बात, चलो अब घर दिखाओ। घर क्या देखना है, घर तो बड़ा सिंपल है। ये राइट साइड की वॉल है, ये लेफ्ट साइड की वॉल है, ये छत है। ये छत है? मतलब ये नीचे वाले की छत है ना, और ये हमारी छत है। हाँ, करेक्ट करेक्ट बेटा, करेक्ट। बाथरूम इस तरफ है। चलिए उतरिए। चिंटू, तू लिल्लू बाजी के यहाँ मत आया करना। हेलो। हेलो कोके, मैं केशव बोल रहा हूँ। कौन केशव? और कौन केशव, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पहचानती? सॉरी सॉरी केशव, बोलो क्या बात है? कहाँ गई थी तुम? मैं कहाँ गई थी? हाँ, मैं सोने गई थी, मैं सो रही थी। बोलो किस लिए फोन किया? देखो आज मैं जरा बिजी हूँ, मैं रात भर कर नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, क्यों क्यों केशव क्यों? अरे कहा तो सही, मैं बिजी हूँ। तुम फोन पे भी मुझे डांटते रहते हो। अच्छा अच्छा, मत आना। क्या? हाँ, और फोन भी नहीं करना। फोन भी नहीं करना? मैं सो रही हूँ केशु। सुना तुमने, मुझे कितनी बड़ी जमाई आ गई थी। कितना सोती है, कितना सोती है। आए, आए, सर। फोन रखो, फोन रखो। मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। अरे क्यों, भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? वो तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। तू ऊपर मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, कोकी, कोकी कहाँ है? ये गंगा, मुझे पहचाना नहीं। कोकी, क्या तुम भी गंगा? गंगा? अरे मजाक किया गंगा मौसी, लेकिन बताओ ना मैं कैसे लग रही हूँ? अरे तुम तो एकदम फिल्म वाली लग रही हो। है ना, वही रोल कर रही हूँ मैं। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम एक काम करो ना, जरा चिंटू पर ध्यान रखो। हा, 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 और हमारे बेडरूम में जाकर आराम करो। अच्छा अच्छा, तो मैं चलूं? लेकिन कोकी, कुछ लोचा तो नहीं हो जाएगा ना? अरे कुछ लोचा नहीं होगा, अपुन है ना। चलो गंजेस, मैं जा रही हूँ आपके आशीर्वाद से। बाय बाय। कुछ खाने को है? मेरे लिए, आपकी लड़ी नहीं है, चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ बेडरूम में, तुम यहाँ सब ध्यान रखना, ओके? हाँ। वाह 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 चिन्नू, हम खुश हुए। मार्वेलस, ब्यूटीफुल।
तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, तुम्हारा घर खूबसूरत है, और तुम्हारा बेटा वो तो वैसे ही है जैसे बचपन में तुम थे। देखो खुशी से मेरा पेसमेकर कैसे धड़क रहा है। इजी डैड, इजी। ए जी, मैं आ गई आपके आशीर्वाद से। अरे बहू तुम कहाँ गई थी इतनी देर से? वो पड़ोस में इनके दोस्त का फोन आया था ना, वो लेने गई थी आपके आशीर्वाद से। क्या कहा मेरे दोस्त केशव कुलकर्णी ने? कहा है कि वो आज लेट आएंगे। आने दो उसे लेट, लेकिन बहू हाँ। तुम जल्दी से बढ़िया खाना लगाओ, जोरों की भूख लगी है। एक्सक्यूज मी मेजर साहब। सॉरी सॉरी कर्नल साहब, मैं अभी आपकी इजाजत चाहूंगा। अरे रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? नहीं नहीं, मुझे मेरे क्लाइंट से फीस वसूल करने के लिए जाना है। कल वसूल कर लो ना। नो 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 नो, कल नहीं वसूल कर सकता। क्यों? क्योंकि आज उसको फांसी लगने वाली है, यू नो, और ये मेरा ही केस है। नहीं नहीं नहीं, फिर देन यू मस्ट गो। मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। बहू मैं होके आता हूँ। होके रूपा जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अभी अभी केशु का फोन था। हाँ तो फोन ही आया ना, वो खुद तो नहीं आया ना। लेकिन आप जानते हैं ना वो कितने शक्की मिजाज का है। मैं तो जा रही हूँ बाबा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो जो मेरे डैडी है ना, उनका तबला फट जाएगा। आई मीन पेस मेकर अंदर ही फूट जाएगा। अरे लेकिन और कितनी देर ये नाटक जारी रखना होगा? बस बस आज शाम को डिनर तक, तब तक मैं उनको यहाँ से भेज दूंगा। हाँ और तब तक केशु आ गया तो उससे पहले आप चले जाना। अच्छा अरे ए चिंटू, ये तू क्या खेल रहा है? चेस, इतना मीनू वालू। अच्छा इसे चेस कहते हैं। वेरी गुड बेटे, चलो हमारे खानदान में कोई तो चेस खेल सकता है। डैडी आप आज नहीं आने वाले थे ना? हाँ लेकिन आ गया। चल ये बता तेरी मम्मी कहाँ है? अबकबदब। अरे क्या मेरी तरह अबकबा कर रहा है? बता तेरी मम्मी कहाँ है, बता। मरना मत। अब बता मम्मी कहाँ है? अंदर है। कोकी कोकी, अरे सोई क्यों? ओह मैं समझ गया डार्लिंग, मैंने तुम पर शक किया इसलिए तुम मुझसे रूठ गई हो ना। आई एम सॉरी डार्लिंग, आइंदा तुम पर शक नहीं करूंगा। चलो अब उठ जाओ। अरे उठो, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, चाय वाय बनाओ। अरे उठो उठो कोकी, तुम्हारी कसम मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। बस ये क्या तुम्हारा गला इतना बड़ा क्यों हो गया? उस मनहूस गंगा ने तुम्हें कोई जड़ी बूटी तो नहीं खिलाई? अरे उठो कोकी, कोकी। इतना पसीना और तुम कंबल ओढ़कर सोई हुई है? उठो उठो, अरे उठो। ओ कोकी आई एम सॉरी। अरे तुम्हें तो बुखार है। ओ नो, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी आया डॉक्टर को बुला के। हाँ तुम लेट ही रहो, ओके? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? लास्ट है बस। सुनो हम खुश हुए, तुम्हारा जवाब नहीं। क्यों? तुम्हारे और बहू के बारे में हमने बहुत कुछ बुरा भला सुना था। क्या सुना था? यही कि तुम्हारी बीवी फिल्मों में काम करती है और शूटिंग के बहाने घर के बाहर रहती है और घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ सब कुछ उल्टा है, तुम्हारी बीवी काम कर रही है और तुम आराम कर रहे हो। डैड क्या है, लोग कुछ तो कहेंगे ना, जितने मुंह उतनी बातें। डैड मेरी बीवी तो मेरी मुट्ठी में है। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन हमने ये भी सुना था कि प्रेमाशालिनी कुछ कपड़े भी नहीं पहनती। किसने कहा आपको? नहीं मतलब वही फैशनेबल कपड़े पहने रखती है, लिपस्टिक लगाती है। डैड वो धंधा ऐसा है ना, आई मीन लाइन ऐसी है तो पब्लिक की डिमांड है, करना पड़ता है। सही है सही है। But listen, जी, मैं कुछ तुम्हें कहना चाहता हूँ। जी, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और बहू के नाम करना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है? कर लेंगे। बहू को बुलाओ। जी, बहू, बहू। ओए, क्या हुआ? अपनी बीवी को बहू करके क्यों बुला रहे हो? सॉरी डैड, मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था। प्रेमा जी आई। जी जी बहू जी, मेरी बात सुनो। देखो हमने इरादा कर लिया, हमारी सारी जायदाद है, करोड़ों की जायदाद है, तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। कब कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है, पैरों को हाथ लगाओ, मेरे नहीं। दिलरुबा जी, दिलरुबा जी आप किसी अच्छे से डॉक्टर को जानते हैं? क्या है कोकी की तबीयत जरा खराब है। अच्छा खराब है? ओह आपके घर में मेहमान आया है। ओए, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं चुन्नू का बाप हूँ। चुन्नू? कौन चुन्नू? चुन्नू। ओह आप इनके बाप हैं, लेकिन लगते तो नहीं है। और ये है मेरी बहू प्रेमा। प्रेमा,
यानी प्रेमा जी हॉलीवुड से आ गई। हेलो प्रेमा जी, हाउ आर यू? कोकी तुम? कोकी? कौन कोकी? अरे तुम कोकी, और कौन कोकी? मैं कोकी। क्यों बे दिलरुबा के बच्चे, मेरी बीवी तेरे घर में क्या कर रही है? बोल बोल। हू द ब्लेम? मेरी बहू को अपनी बीवी बना रहा है? अरे ये मेरी बीवी है। अरे तेरी तो मारना मत, मारना मत, वरना मुझे खींच लो अभी। एक्सक्यूज मी भाई साहब। भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं कोकी नहीं हूँ, मैं प्रेमा हूँ। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, हॉलीवुड जाकर आदमी इतना बदल जाता है क्या? क्या है, आप तो जानते हैं कि मैं कोकी जी को कितना लाइक करता हूँ। तो इस बात से तंग आकर डॉल ने कोकी जी की तरह लगने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। Hello, Bill, darling. I'm back. Hello. Oh, ये मुच्छर कौन है? Oh, sorry, real है. Hello, Keke ji. Hello. कोकी जी, आपने बाल काट लिए हैं। How nice she looks. Thank you. कोकी के को What is all this? चुन्नो, क्या हो रहा है ये? बहू समझाओ मुझे। ओह, ये आपकी बहू है? इसका मतलब आप केकू जी के डैडी हैं? हेलो डैडी जी। मैं केशव जी का डैडी नहीं हूँ, मैं चुन्नू का डैडी हूँ। डॉल, मैं तुम्हें बताना भूल गया, चुन्नू मेरा निकनेम है और ये जर्नैल पापा है लुधियाने वाले। शादी के टाइम पे मैं तुम्हारे इंट्रो कराना भूल गया था। और चुन्नू, ये भूतनी कौन है? ये आपकी बहू है प्रेमा। ये प्रेमा है? हेलो ससुर जी।